नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा गुप्ता। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग आवर चैप्टर नंबर 12 और आवर टॉपिक इज ओलिगोपॉली। आज का हमारा टॉपिक है ओलिगोपॉली। ओलिगोपॉली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अल्पाधिकार। अल्पाधिकार यानी कि जब फर्म्स मोनोपोलिस्टिक से भी कम होती हैं। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, है ना, बहुत सारी फर्म्स होती हैं, मोनोपोलिस्टिक के अंदर उससे थोड़ी कम होती हैं। और मोनोपोलिस्टिक का ही एक पार्ट है, यानी कि इम्परफेक्ट कंपटीशन का एक पार्ट था मोनोपोलिस्टिक और दूसरा पार्ट है ओलिगोपॉली। ओलिगोपॉली के अंदर कुछ फर्म्स होती हैं, 8-10 फर्म्स मान करके चलिए, बहुत कम संख्या में ये होती हैं। और इन्हीं का अपने पूरे मार्केट पर इन्होंने अपनी इनका जो है अच्छे बायर्स होते हैं, हर एक के अपने काफी सारे बायर्स होते हैं और इनके कंज्यूमर सबके अलग अलग ज्यादातर होते हैं। ये जो ओलिगोपॉली है वो किस तरह के प्रोडक्ट के अंदर हमें देखने को मिलती है मार्केट के अंदर, जैसे ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं वो भी इसके अंदर हम देख सकते हैं, सीमेंट की जो फर्म्स हैं, स्टील प्रोडक्शन की जो फर्म्स हैं, या फिर आपके एल्यूमिनियम, इस तरह के जो मेटल्स वगैरह प्रोडक्शन होता है, इनकी कम फर्म्स होती हैं जो कि इनके प्लांट लगाती हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्लांट इनके लगते हैं, तो ये कम फर्म्स हैं जो इनकी इनका प्रोडक्शन करती हैं। और इस तरह की जहां पर की काफी कम कुछ ही फर्म्स, दे आर सो सम फर्म्स आर देयर, इनको हम क्या बोलते हैं, ओलिगोपॉली बोलते हैं। अब इस ओलिगोपॉली के अंदर होता क्या क्या है, देखिए इसके अंदर बहुत ही ज्यादा इसके अंदर कंपटीशन हमें देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट इसके फीचर्स अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो पहला फीचर है इसका इंटरडिपेंडेंस। ये क्या होती है, एक दूसरे पर ये निर्भरता इनकी होती है, है ना, इनकी निर्भरता किस पर होती है, एक दूसरे पर होती है। कैसे होती है निर्भरता, कि एक फर्म अगर किसी भी तरह का प्रोडक्ट मार्केट में लेकर के आती है और अगर एक फर्म अपनी प्राइस को चेंज करने की कोशिश करती है तो दूसरी फर्म तुरंत उसके लिए रिएक्ट करेगी, है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो आपका ओलिगोपॉली मार्केट है इसके अंदर हर फर्म दूसरी फर्म के चालों को देखती है। एक फर्म का जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, उसकी जो सेलिंग, उसकी टेक्नोलॉजी है और उसकी जो मार्केट के अंदर मार्केट पॉलिसी है, वो सारी चीजें इसमें नोटिस की जाती हैं। और जो दूसरी फर्म्स हैं वो सब एक फर्म की इन सारी पॉलिसीज को चेक करती रहती है। तो जैसे ही अगर कोई अच्छी पॉलिसी उनको नजर आती है तो दूसरी फर्म भी उन चीजों को अडॉप्ट कर लेती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इंटरडिपेंडेंस होती है, एक दूसरे पर इनकी निर्भरता बनी रहती है और एक के चालों से दूसरे की चालें चालू हो जाती है। एक जिस तरह की चाल चलती है फिर दूसरी फर्म्स उसको देख करके उसी तरह की अपनी चालों को ये बदल देती है। तो देखिए सेकेंड नंबर हमारा आता है इसमें कंपटीशन, कि यहाँ पर बहुत ज्यादा कंपटीशन इसके अंदर होता है। अगर एक फर्म अपनी प्राइस को थोड़ा सा भी कम करने की कोशिश करती है, कम क्यों करना चाह रही है, वो ये चाह रही है कि मैं थोड़ी सी अपनी प्राइस को कम कर दूंगी तो मेरा प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि जैसे एक फर्म अपनी प्राइस को कम करती है, कम आसानी से नहीं कर सकती, जब भी वो कम करने की योजना अगर बनाती है तो उसको ये सोचना पड़ता है कि जैसे ही मैंने प्राइस कम करी तो दूसरी फर्म का रिएक्शन क्या होगा, क्या दूसरी फर्म्स भी अपनी प्राइस को कम कर देंगी, या दूसरी फर्म अपनी पब्लिसिटी को बढ़ा देंगी, या दूसरी फर्म अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेंज कर देंगी, वो क्या करेंगी, उनके रिएक्शन को देखते हुए एक फर्म अपनी जो है जो प्राइस पॉलिसी है उसको चेंज करती है या उसको डिटरमाइन करती है। तो आसान नहीं है कि अपनी इच्छा से वो अपनी प्राइस को इंक्रीज कर दे या डिक्रीज। मोनोपॉली में तो हो सकता है कि वो अपनी इच्छा से अपनी प्राइस को डिक्रीज भी कर सकती है, इंक्रीज भी कर सकती है, लेकिन ओलिगोपॉली के अंदर ऐसा नहीं हो सकता। ओलिगोपॉली के अंदर, अल्पाधिकार के अंदर, फर्म दूसरी फर्मों के रिएक्शन को पहले सोचती है कि उसके एक एक्शन से दूसरी फर्म्स का रिएक्शन क्या होगा, तब जाकर के वो कोई डिसाइड करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यानी ये जो कंपटीशन है ये बहुत तगड़ा वाला कंपटीशन होता है। और इसमें हर फर्म अगर वो सोचे कि मैं अपनी प्राइस को थोड़ा सा बढ़ा दूं, ये भी तो सोच सकती है, कमी क्यों सोचे,
फर्म ये भी लाला जा सकता है कि मैं अपनी थोड़ी सी प्राइस को बढ़ा दूं तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर वो जैसे अपनी प्राइस को थोड़ा सा बढ़ाती है तो वो अपने जो कंज्यूमर्स हैं, जो उसके कस्टमर्स हैं, उनको वो खो देगी, है ना, उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो ये यहाँ पर इसको पॉलिसी सारी बहुत सोच समझ करके खर्च करनी पड़ती है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इसके अंदर आता है एडवर्टाइजमेंट। इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट का बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। वो इम्पोर्टेंट रोल इसलिए होता है क्योंकि बिना कॉम्पिटिशन के, बिना एडवर्टाइजमेंट के, बिना विज्ञापन के इन कंपनीज का मतलब इतना ज्यादा है। जब विज्ञापन इनके लिए मतलब जीवन भी है, लाइफ भी है और डेथ भी है, है ना। ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये इतना इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं इनके इस ओलिगोपॉली के अंदर, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट से ही इनकी पब्लिसिटी होती है और एडवर्टाइजमेंट इतने परफेक्टली इनको देने पड़ते हैं कि वो आपके जो कंज्यूमर्स हैं, जो पब्लिक है, उनके दिमाग पर एकदम फिट बैठ जाए कि हाँ यही प्रोडक्ट हमें लेना है, इसके अलावा तो कोई और प्रोडक्ट अच्छा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं एडवर्टाइजमेंट पर इतना ज्यादा खर्च करना पड़ता है इनको? क्योंकि इसी एडवर्टाइजमेंट के कारण ही ये मार्केट के अंदर बने भी रह सकते हैं, और अगर एडवर्टाइजमेंट लोगों को पसंद नहीं आता है तो इनका प्रोडक्ट भी नहीं बिकेगा और ये मार्केट से बाहर हो भी सकते हैं। तो लाइफ और डेथ, जीवन और मृत्यु का सवाल बन जाता है विज्ञापन इनके लिए। और फोर्थ पॉइंट हमारा आता है प्राइस रिजिडिटी। इनके अंदर प्राइस रिजिडिटी भी हमको देखने को मिलती है ओलिगोपॉली के अंदर, कि ये जो प्राइस है, प्राइस डिटरमिनेशन किस तरह से करती हैं। बहुत ज्यादा प्राइस भी नहीं हो सकती, बहुत कम भी प्राइस नहीं हो सकती, और उसको अभी मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगी कि किस तरह से इनका कर्व हम बनाते हैं। इससे पहले हम इसको राइवलरी बिटवीन द फर्म्स, इनके अंदर क्या होता है कि प्रतिद्वंदिता ज्यादा होती है एक दूसरे के, ये क्या होते हैं एक तरह से विरोधी, है ना, राइवल की तरह से ये रिएक्ट करते हैं। मतलब एक फर्म ने अगर कोई एक्शन लिया तो दूसरी फर्म तुरंत उसके रिएक्शन के लिए तैयार रहती है और हर समय इसी ताक में रहती है कि दूसरी फर्म क्या कर रही है। हर एक फर्म दूसरी फर्म की हर एक चालों को देखती रहती है और उसी के अनुसार रिएक्ट करती है, क्योंकि एक दूसरे की विरोधी होती है ना। हर एक फर्म अपने प्रॉफिट को बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहती है। तो ये कुछ फीचर्स थे जो हमारे ओलिगोपॉली के अंदर आते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इसके अंदर आता है डिमांड कर्व। ओलिगोपॉली की कैसी होती है? ओलिगोपॉली की जो डिमांड कर्व होती है वो कोई परफेक्ट स्लोप नहीं होता। इसका स्लोप जो होता है ना, देखिए, क्योंकि ये अलग अलग रिएक्ट कर रही है फर्म्स के अकॉर्डिंग, तो इसका ओलिगोपॉली के अंदर, जैसे मान लीजिए एक फर्म अपनी प्राइस को बहुत ज्यादा अगर कम करना चाहती है, तो ये इसका है LMM, और इसको नाम दे दीजिए आप KL, और यहाँ पर आपके ये है एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। अब इस तो ओलिगोपॉली के अंदर इसको दो तरह का डिमांड कर फेस करना पड़ता है। यहाँ देखिए, हम इसको हम डिमांड ले लेते हैं, ऑन एक्स एक्सिस वी डिपिक्ट क्वांटिटी, क्वांटिटी एंड ऑन वाई एक्सिस वी हैव प्राइस, ठीक है। जब ये ओलिगोपॉली के अंदर जब ये अपनी प्राइस को इंक्रीज करता है, यानी ज्यादा इनकी हाईएस्ट प्राइस रहती है, तब इसका जो कर्व है, डिमांड कर्व है, वो मोर इलास्टिक हो जाता है।
इज ग्रेटर, यानी इस तरह की शेप ये आ जाती है। और जब ये अपने प्राइस को डाउन करती है तो इसका जो डिमांड कर रहे हो वो लेस इलास्टिक हो जाता है, यानी कि के एल फॉर्म में वो आ जाता है। तो इसका जो रियलिटी के अंदर ये वाला इनका डायग्राम होता है, और जो रिजिडिटी इसके अंदर देखने को मिलती है वो यही है कि जैसे ही फॉर्म, जैसे मान लीजिए कि पहले है ना, पहले उसकी प्राइस बहुत ऊंची थी, तो वो MN, इसको मैं ऑफ पॉइंट पर इसको ले लेती हूँ, MN की तरह वो रिएक्ट करेगी, यानी यहां तक आ गई। अब दूसरी फॉर्म्स भी उसके मार्केट में आ रही है ना, क्योंकि दूसरी फॉर्म भी रिएक्ट कर रही है, तो दूसरी फॉर्म्स को देखते हुए फिर उसको क्या करना पड़ा, अपनी प्राइस को डाउन करना पड़ रहा है, तो फिर ओ एल शेप में उसका कर्व आ जाएगा। ठीक है, पहले उसका कैसा कर्व था, एमओ का मतलब, क्योंकि उसने प्राइस अपनी हाई रखी हुई थी तो उसका जो डिमांड कर्व था वो मोर इलास्टिक था, लेकिन जैसे ही उसकी जब प्राइस हाई थी तो दूसरी फर्म से रिएक्ट करना स्टार्ट किया, और दूसरी फर्म के रिएक्शन को देखते हुए उसको अपनी प्राइस को डाउन करना पड़ा, जिसके कारण उसका जो कर्व की शेप है ना वो थोड़ा सा टर्न हो जाती है, यहाँ से ओ एल शेप में आ जाती है। और इसीलिए इस पॉइंट को, ये जो कर्व है ना, ये एम ओ एल ये वाली जो कर्व आएगी ना इसकी, इसको हम क्या बोलते हैं, किंग्ड कर्व भी बोलते हैं। इसको क्या नाम दिया है, किंग्ड कर्व, या इसको हिंदी में हम बोलते हैं विंकुचित मांग वक्र, है ना, विंकुचित मांग वक्र भी इसको कहा जाता है, किंग्ड कर्व भी इसको कहा जाता है। तो ये आपका था कैसा डिमांड कर्व होता है आपके ओलिगोपॉली के अंदर। इसके अंदर कम फर्म्स होती हैं मोनोपोलिस्टिक के कंपैरिजन में, और इन सभी के अंदर ये इनकी जो इम्पोर्टेंस वो है, एक तो इंटरडिपेंडेंस होती है, एक दूसरे पर ये निर्भर होती हैं, और एडवर्टाइजमेंट का इसमें बहुत ज्यादा रोल होता है। इसके बाद एक और आपका बचता है, वो है डियोपॉली। डियोपॉली का मतलब होता है द्वयाधिकार। ये बहुत ज्यादा अलग नहीं है, द्वैधिकार और ओलिगोपॉली लगभग एक जैसे ही है। द्वैधिकार के अंदर केवल देयर आर टू फॉर्म्स इन द मार्केट, मार्केट में केवल टू फॉर्म्स होती हैं, और दोनों एक दूसरे की कॉम्पिटेटिव भी हो जाती हैं, और अनेक बार दोनों अपना कॉलिब्रेशन करके और बड़ी स्मूथ रन भी मार्केट के अंदर करती हैं, कि न तू अपनी प्राइस बढ़ाना ना मैं बढ़ाऊंगी, और अगर हम बढ़ाते भी हैं या डिमांड भी बढ़ जाती है तो वो डिमांड बढ़ने के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्शन भी बहुत आपस में एक दूसरे के साथ, क्योंकि ये क्या बना लेती है, कोलाज बना लेती हैं अपना एक मिलकर के। और डियोपॉली के अंदर, क्योंकि इसके अंदर केवल दो ही फर्म होती है मार्केट के अंदर, इसलिए बहुत ज्यादा भी आपके कोर्स में नहीं है, सिर्फ इतना ही है। तो आज के वीडियो के अंदर हम इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है 12th नंबर का, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स पर डिस्कस करेंगे, और इसी के साथ स्टूडेंट्स जो 12th आपका चैप्टर है, इसी के साथ हमारा जो ये माइक्रो वाला पोर्शन है वो भी आपका कंप्लीट हो रहा है। जो कुछ भी आपको डाउट्स हो इसके अंदर, आराम से आप इसकी स्टडी करिए। आपके पास कुछ भी डाउट हो रहे हैं, आप बिल्कुल फ्रेंकली आप पर्सनल मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दो दिन आपकी ऑनलाइन क्लास भी होती है, डाउट क्लास भी होगी, उसमें भी आप अटेंड करिए, उसमें भी आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।